नोकिया ने यहाँ पे अपना नोकिया 6.1 प्लस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था काफी एग्रेसिव प्राइस में, और उसका दोस्तों चाइना में नाम है नोकिया X6। नोकिया X5 जो है दोस्तों वो इंडिया के अंदर नोकिया 5.1 प्लस बन के आया, काफी अच्छे प्राइस में लॉन्च हुआ। ये दोनों डिवाइस दोस्तों काफी अच्छे वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेज है। अब जो है दोस्तों इसका सक्सेसर नोकिया X6 का सक्सेसर नोकिया X7 जो है दोस्तों चाइना के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, जो इंडिया के अंदर दोस्तों नोकिया 7.1 प्लस बन के आएगा। इसका दोस्तों आज प्राइस लीक होके आ चुका है कि किस प्राइस में नोकिया X7 को लॉन्च किया जा रहा है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी प्राइस देखने के बाद। तो प्राइस के बारे में ही इस वीडियो में बताने वाला है कि क्या कुछ प्राइस यहां पे लीक होके आया है, किस प्राइस में नोकिया X7 इंडिया के अंदर आएगा नोकिया 7.1 प्लस नाम से। लेकिन प्राइस बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। उम्मीद है आपको पता होंगे स्पेसिफिकेशंस कि इस नोकिया X7 में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आप लोगों को स्पीड में कंट्रोल रखते हुए बता देता हूं। यहां पे डिस्प्ले में आप लोगों को मिलेगा 6.18 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप लोगों को नॉच मिलेगा, लेकिन नोकिया X6 से जो नॉच है दोस्तों वो थोड़ा बड़ा मिलेगा इस नोकिया X7 में या फिर नोकिया 7.1 प्लस में। एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, स्टॉक UI ही होगा यहां पे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 से थोड़ा बेटर प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710। यहां पे आप लोगों को दोस्तों अलग अलग रैम इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, 4GB 64GB 6GB 128GB। यहां पे दोस्तों आप लोगों को 3400mAh की बैटरी मिलेगी। डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, 13+12 मेगापिक्सल का दो कैमरा मिलेगा पीछे। फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को एक ही कैमरा मिलेगा 20 मेगापिक्सल का सेल्फीज के लिए। यहां पे दोस्तों ग्लॉसी ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा आप लोगों को, नोकिया 7 प्लस जैसा रेयर डिजाइन है। और फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को नोकिया X6 जैसा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा नॉच यहां पे बड़ा है इस नोकिया X7 या फिर नोकिया 7.1 प्लस में। तो यह है दोस्तों ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस ये अपकमिंग नोकिया X7 या फिर नोकिया 7.1 प्लस का। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, यानी कि जो कि मेन पॉइंट है इस वीडियो का। यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस निकल के आया है 6GB 128GB का चाइना में, वो है दोस्तों 2699 युआन। अगर आप इसको दोस्तों इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो पड़ जाएगा लगभग 27,000 रुपए। तो मतलब 27,000 रुपए में 6GB 128GB वेरिएंट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है। यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इस प्राइस में, इवन इससे कम प्राइस में भी। मुझे लगता है कि ये जो नोकिया 7.1 प्लस आने वाला है 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस यहाँ पे 23,000 के आसपास अगर हुआ, 23,000-22,000, तो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा। अदरवाइज 27,000 थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है इस नोकिया X7 या फिर नोकिया 7.1 प्लस के लिए। मुझे थोड़ा प्राइस देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अब आपके क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस नोकिया 7.1 प्लस के बारे में? इंडिया में अगर आया तो क्या आप 27,000 रुपए में इसको परचेस करना सही समझेंगे या फिर नहीं समझेंगे? आपका ओवरऑल क्या थॉट्स है इस नोकिया X7 के ऊपर, अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।